F6, F7 या F8 बल के अगर गोदरेज के AC में नॉन इन्वर्टर मॉडल में एरर कोड आया तो उसको कैसा सॉल्व करना है आज की वीडियो में देखेंगे। तो मेरे को तो जो है ये मशीन में F6 बल का एरर आ रहा, एरर भी कब आ रहा जैसा मैं इंडोर ऑन कर रहा हूँ 10 सेकंड 15 सेकंड जो है फैन चल रहा, उसके बाद में F6 बल का सडन एरर आ जा रहा। तो जो है F6 हो सकता प्रॉब्लम जो है अपने को आउटडोर की वजह से आ रहा, कैपेसिटर जो है प्रॉब्लम रहने की वजह से हाई लोड ले रहा तो वैसा भी हो सकता, या फिर जो है ये भी हो सकता है कि कुछ भी वायरिंग वगैरह शॉर्ट सर्किट है कुछ भी हो सकता है, या फिर गैस लीकेज का भी एरर हो सकता है F6। तो मैं जो है अपने को कन्फर्म नहीं था, फर्स्ट टाइम अपन चेक कर रहे तो स्टेप बाय स्टेप आ रहे समझो। तो सबसे पहले जो है मैं इसका रूम सेंसर डिस्कनेक्ट कर दिया, रूम सेंसर डिस्कनेक्ट करते कि यहाँ पे जो है F6 का तो एरर नहीं आ रहा था और ये एरर कोड भी जो है कभी आ रहा कभी नहीं आ रहा। तो रूम सेंसर का जो है अपने को अगर प्रॉब्लम रहा डिस्कनेक्ट रहा कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो F7 का एरर आता अपने को, देख सकते हैं यहाँ पे जैसा मैं डिस्कनेक्ट करा था F7 बोल के आया, जैसा मैं कनेक्ट कर दिया F7 का एरर चले गया। उसके बाद में जो है कॉइल सेंसर मैं डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि अपने को कन्फर्म करना है, एक बाई एक स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। तो कॉइल सेंसर जो है अपने को डिस्कनेक्ट करने के बाद में F8 बोल के आ रहा, और ये कॉइल सेंसर अपने को रहता कहाँ, जो इवापरेटर कॉइल है अंदर का कूलिंग कॉइल उसके अंदर कॉपर पाइप के आजू बाजू रहता, और जो रूम सेंसर रहता वो कहीं तो भी ऊपर पैनल के ऊपर रहता, ग्रिल के बाजू में, पीसी के ऊपर, पीसीबी के आजू बाजू में कहीं तो भी रहता। अब अपने को प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, F6 बोल के आ रहा, देख सकते हैं फिल वक्त जो है F6 बोल के आ रहा। तो F6 इस वजह से आ रहा था ये AC के अंदर, ये इसका जो है वायरिंग थोड़ा सा लूज कनेक्शन था, अगर रैट कटिंग हो गया, इंडोर की फैन मोटर की वायरिंग है ये, तो इंडोर की फैन मोटर की वायरिंग रैट कटिंग हो गई, या फिर जो है फीडबैक का वायर लूज रहा, या फिर जो है कैपेसिटर वीक रहा, या फिर जो है हाई मतलब हाई एम्स ले रहा किसी वजह से, मोटर जाम हो गई, कुछ भी हुआ तो F6 बोल के आता गोदरेज के नॉन इन्वर्टर AC में। आई होप के तीनों के ऊपर बात कर ली अपन, F6 F7 F8 क्यों आता है, इसको सॉल्व कैसा करना है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।